साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस स्किल पे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर यानी कि सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिख रहा है, लिख रहा है कि वृद्धि तथा विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें। दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग हर वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पूछे जाते हैं कि वृद्धि और विकास के बीच क्या अंतर है। और उसके बाद एक और इसी में क्वेश्चन लिखा है कि वृद्धि तथा विकास के समान सिद्धांत क्या है, इसको व्याख्या भी करना है। चलिए इसके उत्तर पर देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो दोस्त आप क्या क्या लिख पाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो लिखिएगा कि वृद्धि तथा विकास के बीच निम्नलिखित अंतर है, यानी कि बिल्कुल जैसे यहाँ पे अपने नोट्स में लिखा हूँ दोस्तों, सेम ऐसे ही अगर एग्जाम्स में आएंगे तो आपको कॉपी को अच्छे से सजा कर लिखनी है, ताकि आपको एग्जामिनर जो है अच्छे मार्क्स दे सके। आपको ये कोशिश करना है कि बीएड फर्स्ट ईयर में आपको 80 से 85% एबव नंबर लाने हैं। तो ऐसे ही आपको कॉपी को सजा कर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि वृद्धि तथा विकास के बीच निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ यहाँ देंगे वृद्धि और दूसरे तरफ विकास। वृद्धि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ, और विकास को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद यहाँ पे पहला वृद्धि में पहला पॉइंट है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास वाला में फर्स्ट पॉइंट है कि वृद्धि को मापना, विकास को मापना कठिन है, सामान्यतः कठिन है। बिल्कुल दोस्त, क्योंकि वृद्धि जो होता है, वृद्धि ये इसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे एक बच्चा जो है धीरे 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 बड़ा होता है, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन अब विकास को मापना कठिन है, क्योंकि विकास जो होता है उसके IQ लेवल यानी कि कौन कितना चीज़ों को जल्दी समझता है। देखते, एक बच्चा जो है जल्दी याद कर लेता है, एक जो है बच्चा बहुत देर के बाद याद करके सुनाता है, तो उसमें विकास को हम लोग जल्दी नहीं माप सकते हैं, लेकिन वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। दूसरा अंतर जो है साथियों, वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है। यानी कि ऐसा थोड़े ना है कि 100 साल अगर कोई जीता है तो 100 साल बढ़ते रहता है। ऐसा पता चलेगा कि 100 साल तक बढ़ते गया तो एक ताड़ों के ऊपर इतना हाइट का आदमी सब हो जाता है। यानी कि वृद्धि जो है एक आजीवन क्रिया नहीं चलती है। इसके लिए एक फिक्स होता है कि आप 18 से 20 साल तक आपका जो है एज में आपका हाइट बढ़ेगा, उसके बाद आपका हाइट जो है बढ़ना रुक जाएगा। लेकिन अगर वही हम लोग अगर बात करें विकास की प्रक्रिया का, तो ये आजीवन चलता है। बिल्कुल, ये जो है जिंदगी भर आपको जब तक अंतिम सांसें चलेंगी तब तक आपके अंदर विकास होते रहेगा। सोचने समझने का विकास, किसी दूसरे से बात करने का विकास, कैसे मैंने समक शक्ति, अंदरूनी शक्ति बोल सकते हैं। विकास एक तरह का अंदर की शक्ति है, अंदर की समझदारी है, जो हमेशा परिस्थिति से भी सीख मिलती है। अच्छा, तीसरा जो अंतर है, वृद्धि विकास का एक छोटा सा रूप है। बिल्कुल सही, ये वृद्धि क्या है, तो पूरा, चूँकि विकास जो है ये आजीवन चलती है, तो इसके छोटे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो कुल मिलाकर वृद्धि जो है विकास का एक छोटा भाग है। अगर हम यही बोले तो विकास क्या है, तो विकास जो है एक विस्तृत शब्द है। विकास जो है एक विस्तृत शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। चलिए, अगला जो अंतर है, वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं समान रूप से जीवन में देखे जाते हैं। यानी कि वृद्धि जब कभी भी होगा तो ये आपको देखने को मिलेगा। नहीं देखते हैं कि हमारा हाथ बढ़ते रहता है, हमारे हाथ की उंगलियां बढ़ती रहती है, तो ये वृद्धि में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन विकास को अगर देखेंगे तो विकास सामान्यतः देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में यह अप्रत्यक्ष रूप में होता है। यानी कि विकास जब होगा तो थोड़ा ना हम लोग देखेंगे, कि देख के थोड़ा ना किसी को पता लगा लेंगे कि ये बच्चा बहुत तेज है, बहुत जल्दी याद कर लेगा, तो इसलिए हम इसको देख के नहीं पता कर सकते हैं। उसके बाद भी लिखा है, ये तो वृद्धि और विकास के बीच अंतर हम लोग कर लिए, दोनों के बीच अंतर हो गया, जो जो क्वेश्चन में कह रहा था अंतर देख लिए। उसके बाद के जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप बताइए वृद्धि, सॉरी फॉर दैट, एक मिनट। उसके बाद लिखा कि वृद्धि तथा विकास के समान सिद्धांत क्या है।
बोला गया कि वृद्धि तथा विकास के सामान्य सिद्धांत। तो इसमें हम जरा डिफाइन करेंगे कि वृद्धि क्या है। तो वृद्धि शब्द परिणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि वृद्धि क्या है, तो एक परिणात्मक परिवर्तन है जिसको हम लोग शब्द में लाते हैं। जैसे जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी वृद्धि होती है, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी क्या क्या बढ़ती है, उसकी लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, शरीर के अंग बढ़ते हैं, तो ये सब सारे चीज़ें बढ़ती हैं। फिर अगर बात करें विकास का, तो विकास क्या है, विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तन के लिए किया जाता है, यानी कि विकास अगर हम बोल रहे हैं तो ये किसी व्यक्ति के गुण के बारे में पता चलता है। जैसे बालक में कार्य कुशलता, कार्य क्षमता आदि की वृद्धि होता है तो हम बोलेंगे कि विकास हो रहा है उसके अंदर। यानी कार्य कुशलता का मतलब क्या, कार्य कुशलता का मतलब कि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति, कार्य क्षमता का मतलब उसके अंदर काम करने की शक्ति, ये सब की अगर बात उसमें आ रही है, उसमें अगर विकसित हो रही है, तब हम उसको बोलेंगे विकास हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद का क्वेश्चन था कि वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत क्या क्या होंगे। तो इसके है जो हैं वो सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत के बारे में बोला बोला गया कि निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि इसमें बच्चा को हमेशा निरंतरता रहना चाहिए, कंटिन्यूसली रहना चाहिए। जैसे कोई बच्चा एडमिशन करवा लेता है स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में, और सप्ताह में 2 दिन जा रहा है, महीना में 10 दिन जा रहा है, तो इससे नहीं होगा। उसका विकास अगर करना होगा तो उसको निरंतर निरंतर उसको क्लास ज्वाइन करना, मैंने हमेशा क्लास जाना होगा। दूसरा जो इसका सिद्धांत है वो बोल रहा है कि जीवन में आरंभिक वर्षों में तीव्र गति, यानी कि जब बच्चा का जीवन का शुरुआत होता है तब प्रारंभ में, आरंभ मैंने होता है शुरुआत, तो शुरुआत के वर्षों में उसके अंदर तीव्र गति होती है, मैंने बहुत तेजी से गति होती है। और तीसरा सिद्धांत बोला गया कि विकास साधारण से विशेष की ओर अग्रसर, यानी कि उसमें विकास जो होता है वो एक विशेष तौर पे उसके अंदर वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। और चौथा सिद्धांत दिया गया है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि इसमें जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न भी करने लगता है, जो कि इसमें चौथा सिद्धांत के बारे में बताया गया है। पांचवा जो बताया गया, पांचवा सिद्धांत वंशानुक्रम, वंशज का मतलब उसके वंशज, उसके माता पिता जिस वंश से हैं उसका गुण भी बच्चों में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे वंशानुक्रम का सिद्धांत। और छठा जो है परिपक्वता अधिगम का सिद्धांत, परिपक्वता का मतलब क्या, मैच्योरिटी, उस बच्चा में सोचने समझने का शक्ति कितने वर्षों में और कब उसमें आ रहा, तो इसको हम लोग कहते हैं परिपक्वता अधिगमन का सिद्धांत। सातवां जो है साथियों एकीकरण का सिद्धांत है। एकीकरण का मतलब क्या होता है, एकीकरण का मतलब होता है जैसे जो बच्चा का इंटरेस्टेड जिस फील्ड में है, जैसे जो बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, खेल में आगे बढ़ना चाहता है, जो बच्चा एकदम और भी अलग एक्सेट्रा चीज़ों को अगर बोल सकते हैं उसकी औपचारिकता है, करने की शक्ति है, तो उसमें वो जा सकता है, तो इसमें बोला गया एकीकरण का सिद्धांत। आठवां जो है विकास की भविष्यवाणी की सिद्धांत, यानी कि उसमें ये भविष्यवाणी किया जाता है, नहीं घर में आसपास बच्चों को देख कर ये पता कर लेते हैं उसके हाव भाव से, उसके बोलने के तरीका से, उसके चलने फिरने के तरीका से, मैंने वो एक तरह से उसका बिहेवियर से पता कर लेते हैं कि इसका भविष्यवाणी कैसा होने वाला है, फ्यूचर में इसका भविष्य कैसा होगा। फिर अगला जो है दोस्त 9 नंबर जो सिद्धांत है वो बोला गया कि विकास की दिशा में का सिद्धांत, यानी कि उसकी विकास के सिद्धांत क्या क्या है इसके बारे में। तो कुल मिलाकर साथियों ये जो था हम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वृद्धि और विकास के बीच पूछता है सवाल कि वृद्धि और विकास के बीच क्या अंतर है, उसके सिद्धांत के बारे में बताइए। तो इन सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से डिस्कस किए, तो आई होप साथियों कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्त फिर हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चंस के साथ। फिलहाल अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।